टू फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी दोस्त शिप्रा और आज टोपी उतार दी है मैंने। आज टोपी उतार दी है, कहीं जा रही हूँ, थोड़ा तैयार हुई हूँ, सिंपल ही हूँ। वैसे लिपस्टिक भी बहुत लाइट कलर की लगाई है, जीन्स वगैरह के साथ ज़्यादा डार्क सी रेड सी अच्छी भी नहीं लगती, थोड़ा पिंकिश शेड में लगाई है, सिंदूर लगाया। एक वीडियो पे कमेंट आया था, दीदी सिंदूर नहीं लगाते, लगाती हूँ यार, सिंदूर जरूर लगाती हूँ। और जैकेट ना थोड़ी सी गंदी हो रही है कॉलर पर से, लाइट कलर की उसका यही होता है, तो मैं सोची आज ही पहन लेती हूँ उसको, फिर वॉश कर दूंगी। मैं घर पर वॉश कर लेती हूँ अपनी सारी जैकेट्स वगैरह। श्री तैयार हो गए तुम? हाँ। पानी की बोतलें वगैरह रख लेते हैं। तो आज हम थोड़ा सा जा रहे थे बाहर, छोटे मोटे काम थे घर के। शिमला जा रहे हैं। शिमला पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब हम शिमला जाएंगे, तो पानी की बोतल्स भर लेती हूँ, क्योंकि बाहर का पानी तो बिल्कुल नहीं पीते, हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं पीते। और बाहर का पानी पीना ना बिल्कुल सेफ नहीं रहता किडनी पेशेंट्स के लिए, तो हम लोग हमेशा ना घर से पानी की बोतलें भर लेते हैं। तो मैं बड़ी बोतल भर रही हूँ और एक छोटी बोतल भर रही हूँ। बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, 1-2 घंटे लगेंगे, लेकिन हस्बैंड की ना एक लिमिट होती है पानी पीने की, उतना पानी उनको पिलाना ही होता है, तो इसलिए पानी की 2 बड़ी बड़ी बोतलें भर रही हूँ। कितना शोर कर रहे हो बच्चों, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दोस्तों हमेशा एक ही तरह का पानी पीना चाहिए। अगर आप आरओ का पानी पी रहे हो तो लाइफ टाइम आपको आरओ का ही पानी पीना चाहिए, अगर आप बिस्लरी पी रहे हो तो लाइफ टाइम बिस्लरी पीनी चाहिए, और नॉर्मल वाटर पी रहे हो या बॉइल्ड वाटर पी रहे हो तो लाइफ टाइम आपको वही पीना चाहिए, वाटर चेंज कभी नहीं करना चाहिए। तो ये आई नो कि टाइमर बहुत कम रहा है, लेकिन आके फुलाऊंगी कपड़े, चक्कर में लगे ना तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा, है ना। और फिर आना भी है, मुझे लग रहा है शीजा शायद इवनिंग में जाएगी ट्यूशन, सुबह में। हाँ 4 बजे, अभी तो 1:30 बजे हम तो आ जाएंगे, तो थोड़ा सा ही काम है। तो एक खिड़की दरवाजे बंद करती हूँ, दरवाजियाँ निकल गया मुझसे, दरवाजों का बंद कर देती हूँ। क्या कर रही है टेप से? कुछ तो कर रही है, टेप नहीं छोड़ती है लड़की को किसी घर में, मेरी और तेरी हो गई। इससे क्या कर रही है, मिठाई का डब्बा चिपकाने लगी बिना बात। चल जल्दी, पहले मैं अपने फेस पे लगाऊंगी अपने फिटमी का कॉम्पैक्ट, क्योंकि ना टैन से बचाता है स्किन को। आई नो कि मुझे पहले लगा लेना चाहिए था, बट मैं भूल गई दोस्तों, और इससे थोड़ा सा टैनिंग से बची रहेगी मेरी स्किन ना, क्योंकि ये सन टैन को प्रोटेक्ट करता है और मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ, मुझे शूट भी यही करता है। तुम्हारे फेस के कलर का नहीं है? अरे मैं क्रीम लगा रही थी। हाँ मैंने कोल्ड क्रीम के अलावा कुछ भी नहीं लगा रखा था फेस पे, और वो भी नहाने के बाद लगाई थी, तो बिल्कुल मेरे स्किन के मैच का है ये, बिल्कुल स्किन के कलर का। और वैसे ही मेरी स्किन में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस टाइम पे, कहीं से मेरा चेहरा ब्लैक नज़र आता है, कहीं से वाइट। टाइमर पूरा हो गया, मशीन में कपड़े धुल भी गए, और थोड़ा सा इससे आपका फेस ब्राइट अप भी होता है, आप थोड़े से ब्यूटीफुल दिखते हो। गई हूँ, थोड़ी ठीक लग रही हूँ, बाहर जाने से पहले आप थोड़े अच्छे दिखाई दो ना, तो आपको खुद को अच्छा फील होता है। और जाने से पहले घर वॉशरूम हो जाती हूँ, क्योंकि कहीं भी वॉशरूम ना मिले बड़ी दिक्कत हो जाती है। अपनी गाड़ी में और ध्रुवी हमारे साथ बैठे हैं, ध्रुव है ना, ध्रुव और हस्बैंड जी बातें बना रहे हैं बाहर खड़े होके, उनकी दादी माँ जी से। हाँ मैं बना के आ गई आंटी की बातें, तो उनके हिस्से की बातें वो बना रहे हैं और आ रहे हैं अभी। अरे फोन पे बात कर रहे हैं पापा, फोन पे बात कर रहे हैं, अभी आंटी के पास खड़े हुए थे। नहीं अभी तो फोन पे बात कर रहे हैं, माँ जी के पास। हाँ अभी तो माजा बोलता है ना। और सैनिटाइजर रख लिया और हस्बैंड की मेडिसिन का डब्बा रख लिया यार, बहुत जरूरी है, 3 बजे दवाई होती है। अरे फिर पापा को पता है ट्यूशन भी है, लेट हो जाएगा, पापा इतनी देर क्यों लगा रहे पता नहीं, गाने बजाने देर से नहीं है, बच्चे उन्हें बुलाने गए हैं, बाहर ही थे वो। और एक बात आपने नोटिस की है कि जब आप लेडीज जब तक तैयार ना हो तो हस्बैंड कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, और जब हम तैयार होकर बैठी रहती हैं वेट करती रहती हैं तो पता नहीं अपने आप, मेरे हस्बैंड तो फोन पे लग जाते हैं भाई। देखिए पापा ध्रुव का बैग तो वापस कर दो। लाल कुर्ती के पास हम लोग आ गए और यहाँ पे है, आज बच्चों ने बाहर से ही कुछ खाना है, हस्बैंड तो अपना खा के आया है, सचिन ने भी खाया दोस्तों, एग है ना सचिन,
पिंकी छोले भटूरे। सीधे खाने के पिंकी छोले भटूरे। हाँ। और आज बहुत दिन हो गए। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि आप गाड़ी रोक लो ना, दिल्ली से आ रहे हो या कहीं से आ रहे हो तो रास्ते में आप पिंकी छोले भटूरे को अपनी गाड़ी रोको, वो भैया आपको गाड़ी में खिला दे। अच्छी बात है। आज देखो लाल कुर्ती में कितनी शांति है, बंद है लाल कुर्ती पर, नहीं तो इतनी भीड़ मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है। गाड़ी करेंगे पार्क और गर्मा गर्म छोले भटूरे खाएंगे यहाँ पे, बहुत अच्छा है, बिल्कुल कड़ी धूप निकली है। ये छोले भटूरे की प्लेट जिसमें है सलाद और ये गजा अचार होता है स्पेशल इनका, ये लौकी का अचार होता है, मिर्ची और छोले, और ये सर्विस करते हैं गाड़ी में गर्मा गर्म। और यहाँ पे एक रायता भी है जो मैंने एक ही मंगाया है क्योंकि मुझे भी नहीं पीना, तो आप भी खा लीजिए। और किस किस ने छोले भटूरे खाए हैं पिंकी के बताना जरूर, बहुत दिन बाद मैं खा रही हूँ और उससे कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत टेस्टी बनाते हैं, बढ़िया और गर्म गर्म मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है खाने में। काश आप लोग भी मेरे साथ होते, मैं आपको खिला पाती तो मैं इंजॉय करती हूँ। अखबार बिछा लेते हैं गोद में तब खाते हैं, कपड़े गंदे ना हो, शीशे सक्षम भी खा रहे हैं है ना। रुपए में आप कहीं खाना नहीं खा सकते, जितने रुपए में इतना टेस्टी आपको मिल जाता है छोले भटूरे खाने के लिए। पापा प्याज देख बेटा, ले भी डाल दे प्याज, धन्यवाद, अच्छा डाल दे फिर पप लौकी का, बस धन्यवाद। कैसा लग रहा है, पेट फुल हो गया, मजा आया ये तुम्हें, पेट फुल हो गया, मजा आया नहीं मजा आया, अरे क्योंकि अभी मीठा खाना हो तो यहाँ पे स्वीट डिश भी मिलती है, रसगुल्ला मिठाई और उसके लिए गौरी भी मिलती है, तो ये तो एक एक बाइट खाना है, मेरे को तो ज्यादा खाना नहीं, बस मीठा करना है। आप लोग भी खा लो दोस्तों, बहुत यम्मी वाला हो गया दोस्तों, छोले भटूरे हो गरम गरम और बाद में आपको मिल जाए एक गरम गरम रसगुल्ला, काला गुलाब जामुन, तो बस मजे आ जाते हैं। राना जी माफ करो, ये राना जी, राना जी माफ करना, पढ़ाई तो आती है, जल्दी हमारे से हो गई, पढ़ाई तो आती नहीं बेटा, वो ये गाने सीख ले, बस समझ में वाला, ठीक है, आगे नहीं आता, थैंक यू। गाड़ी में चल रहा है श्री जगत देव बैठ का, पापा ये गाने नहीं जैसे टोनी कुक्कुड़ श्री जगत देव बैठ का है, गाड़ी पुलिस उठा के ले गई और घंटों तक हम सड़कों पर भटकते रहे, और घर जाके बताऊंगी कि हुआ क्या था, और आप भी हंसोगे भी और टेंशन भी होगी क्योंकि हमारे साथ हुआ था, और आसपास के लोग भी हमें देख रहे थे कि हमने पता नहीं क्या कर दिया हो, और पुलिस हमारी गाड़ी उठा के ले गई थी यार। यहाँ पे ओ गॉड, तो फिर ऐसे काम करता है तू, तो हमें जो शुशु आती है वो तो संग आते हैं, लेकिन बेटा चलो घर चलते हैं जल्दी, ठीक है ऐसे कंट्रोल कर रहे कंट्रोल कंट्रोल कर चलते हैं। ओह गॉड।
चला या हो गई कंट्रोल? ऊपर हो गई ऊपर। ऐसा तो मेरे साथ पहली बार। अब धीरे धीरे नहीं जाएगी फिर तो। किसी का ये ट्रिक मम्मी ने आपने ही बताई थी। बोला कंट्रोल कर लो तो सचिन ने ऐसे कंट्रोल कर लिया। अभी हम थोड़ी देर में घर चलेंगे, फिर घर जाके ठीक है। मैं कितना प्यारा प्यारा बेटा, मम्मी की बात मानता है ना। मैं कितना बूढ़ा हूँ। दोस्तों आपके तो छोटे बच्चे आपके साथ ऐसा होता होगा। मैं कितना बूढ़ा हूँ, कितना प्यारा हूँ। मम्मी की बात मानता है ना। नानी के घर जाना है। हाँ। मेरे बेटे को नानी के घर जाना है, वापिस जा रहे तो गुस्से हो रहे हैं। चलो ना अभी चलते। अबे नहीं घर जा रहे हम, तो चलते हैं। डोरेमोन बैठा होगा वहाँ, एनीवे डोर ले लेंगे। नहीं बता दो। थप्पड़ बोल रही थी, थप्पड़ मार। क्या बोल रही थी सच में बताना। चलिए आपसे बात करती हूँ। कभी कभी कुछ ऐसा ऐसा हो जाता है ना, वो चीजें बड़ी आपको याद रह जाती हैं। और हमारे साथ भी ऐसी कुछ हुआ है। जब हम बाहर घूमने गए ना, तो हमारी गाड़ी रोड पे खड़ी हुई थी, और हमने ना गाड़ी को जैसे पार्किंग में खड़ी करते हैं, पार्किंग में जगह नहीं थी। एक्चुअली वहाँ पार्किंग थी नहीं, लाल कुर्ती में पिशोरी दी हट्टी है वहाँ पे, जो लोग मेरठ में हैं वो शायद जानते होंगे, बेडशीट की शॉप है। और ये बात अभी की नहीं है, कुछ टाइम पहले की है। तो मैं हस्बैंड और बच्चे गए, और हमने थोड़ा सा, मैं हस्बैंड से बोल भी रही थी कि रोड पे हो गई, हस्बैंड भी बोल रहे थे कि थोड़ी सी ज़्यादा रोड पे हो गई है गाड़ी। तो एक दो गाड़ियाँ और खड़ी हुई थी वहाँ पे, तो हमें लगता है ना कि इसने खड़ी कर रखी है तो चलो हम भी कर लेते हैं। तो हमने भी अपनी खड़ी कर ली, और जब हम आए आधा एक घंटा हमें शॉप पे लग गया। और जब हम वापस आए ना, हमें कुछ बेडशीट वगैरह शॉपिंग करनी थी तब उस टाइम पे, तो देखा हमारी गाड़ी नहीं वहाँ पे, और इतनी टेंशन हो गई। तो बस वाले रिक्शा वाले खड़े थे वहाँ, ऑटो रिक्शा वाले खड़े थे बहुत सारे, और बहुत सारे लोग खड़े थे। तो वो कह रहे क्या ढूंढना है, उनका हमारी गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे। तो हंसने लगे हमें देख देख के जोर जोर से। कह रहे तुम्हारी गाड़ी थी वो? कि हाँ हमारी थी। कि सब पुलिस उठा के ले गई थी, तुमने रोड पर खड़ी कर दी थी। तो मेरे को बड़ी टेंशन हो गई, हस्बैंड भी हंसने लगे। हस्बैंड कह रहे यार टेंशन मत ले, पुलिस उठा के ले गई है तो मिल ही जाएगी। और फिर हम गए जहाँ पे पुलिस वो गाड़ियाँ खड़ी करती है ना ले जाके, जो रोड पे से उठाते हैं चलान वलान जो भी काटते होंगे उसका। और फिर हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे देखा तो हमारी गाड़ी वो खींच के उठा के ले जाने वाली जो क्या रहती है, वो एक गाड़ी सी रहती है उसमें उठा के ले जा रहे हैं वो। उन्होंने वहाँ पे वो खड़ी कर दी गाड़ी। फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड ना थोड़े से ट्रिकी टाइप के हैं, तो उन्होंने उनसे कहा अरे भैया हमारे तो बड़े भाई उसमें है और हम थोड़ी देर के ले गए थे और ये वो। तो वो भी बड़े दोस्त से बन गए, उनके व्यवहार आपका बहुत काम करता है दोस्तों। तो वो बड़े अच्छे फ्रेंड से बन गए उनके। अरे भाई साहब कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो वो मतलब, लेकिन वो पैसे लेके चलान काट के गाड़ी छोड़ रहे थे। और हमारे साथ क्या हुआ, जितने लोग थे उन सबका उन्होंने चलान काटा, बट हम पे वो मेहरबान हो गए, हमसे उन्होंने कोई पैसे भी नहीं लिए दोस्तों। और हमारी गाड़ी मतलब वो 200 रुपीज़ बस उन्होंने मना करा, रहे नहीं भैया रहने दो आप तो घर के आदमी हो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं भाई साहब आपको परेशानी तो हुई है, लो चाय पानी तो पी लेना। और उनको 200 रुपए दिए, और दूसरों से 2-2, 3-3 हज़ार रुपए ले रहे थे वो। तो ये हमारे साथ इंसिडेंट हुआ दोस्तों, और बहुत हंसी भी आई। और मुझे याद आया कि आपको शेयर करती हूँ, आज मैं सेम जगह गई थी तो मैंने ये बात आपको बताई। और यार भटकते रहे हम बहुत देर तक टेंशन में, कभी फिर ऑटो मतलब गाड़ी तो हमारी चली गई, फिर ऑटो में बैठ के वहां तक गए और अपनी गाड़ी को वापस लाए। तो आप लोगों के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या? मैंने अपनी लाइफ की बहुत सारे इंसिडेंट आपके साथ शेयर किए हैं, और होती है ना बहुत सारी चीज़ें जो हमारे साथ होती हैं वो आपके साथ भी होती होंगी, कुछ तो मिलती जुलती हो जाती होंगी यार। और कभी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ शेयर करना, और एक करके प्यारे से ब्लॉग में फिर से आपसे मिलती हूँ। और तब तक के लिए अलविदा लेती हूँ आपसे, और प्लीज़ शेयर करना अपनी फ्रेंड को, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आपको ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। तो बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली, लव यू ऑल, बाय बाय।